हुए हैं पहली बार कैमरा के सामने कैद हुआ है, लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। वही मालिका जो है समग्र राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। जो एकाक्षर मंत्र, निराकार मंत्र, ज्योति मंत्र प्रतिदिन उनका पाठ भी होगा, हर रोज प्रतिदिन भूमिकंप होगा, भूकंप होगा, जो मतलब पोथी योजना पोथी पोथी से इसको जो है हैंड राइटिंग से लिखा गया है। ने 185,000 बंच लिखे हैं, और इसी तरह अगर हम पंच सखाओं की अगर हम बात करें तो ये संख्या जाकर पहुंचता है 11 लाख जो है ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं मालिका के ऊपर, और भविष्य मालिका में लिखा गया है मात्र 1200, और मात्र 1200 जो ग्रंथ हैं उसी के उसमें खाली उड़ीसा ही नहीं, बाकी राज्य मतलब भारत के समेत विश्व के विभिन्न जगह बहुत सारे देशों के बारे में समग्र विश्व के बारे में भी उसके इस मालिका ग्रंथ में भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा गया है। किस समय उस समय उस देश के राजा कौन होंगे या फिर उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे और उन्हीं के कार्यकाल में उस देश में क्या कुछ होगा, ये सब लिखा गया है। मतलब बाबा जी खाली भारत विषय लिखा है ना, समग्र विश्व সমগ্র বিশ্ব লেখা আছে अमेरिका तक क्रोंचो को आ जाए। अच्छा अच्छा, मतलब भविष्य मालिका में जब लिखा है आज से 500 साल पहले जब मालिका लिखा गया था महापुरुष लिख रहे थे तब अमेरिका का नाम उस समय था क्रोंच, जब मतलब पुरातन नाम उसका था क्रोंच, अभी जो आधुनिक नाम है उसका नाम है अमेरिका। भारत का जैसे उस समय क्या नाम भारत ভারত তো বাবা জি এক সবাল বস আপসে জানা চাহুগা গোটে কথা আপন জানি চাহিদি ভবিষ্য মালিকা মে এ লিখা গিয়া হয় কি অন্তিম সময় মে युग परिवर्तन के अंतिम समय में महाप्रभु जी के 256 भक्त उन्हीं का नाम का प्रचार प्रसार करेंगे, और उसको उनको हम कहेंगे मालिका भक्त। महापुरुष लिखे चले हाँ शेष समय जितने आसीबो मोर मालिका सारा विश्व प्रचार हो। अच्छा। वर्तमान है कहवा को गले वर्तमान शेष समय आसीगला टाइम हो चले ये जो महापुरुष मालिक को कहीं आप चार विख्यात कर विश्व सारा बुलाऊ कहीं शेष समय लक्षण महापुरुष क्या कहते मोर मालिका सारा विश्व प्रचार हम आप जानवु ये कलिजुगर शेष समय तेनालीटा कहीं ना जी तुम मालिका टाक विश्व दरबार को नौ प्रचार कर। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि महापुरुषों ने पंच शाखाओं ने ये भी लिखा था कि एक ऐसा भी समय आएगा कलयुग के अंतिम चरण कलयुग जब अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा अंतिम कालखंड की ये बात है उस समय मालिका का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। जो मालिका मतलब अब मठों और महंतों की कब्जे में था वो पवित्र ग्रंथ जो है उड़ीसा में जो प्राचीन मठों और मंदिर है उनके महंतों के कब्जे में था, लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। वही मालिका जो है समग्र राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है और विश्व पटल पर भी पहुंचेगा, ये महापुरुषों ने लिखे हैं। तो आज ये का शेष समय बापा शेष समय। अच्छा शेष समय ना ले महापुरुष लिखे चले हिंदू पर बिंदु शेष समय लक्षण प्रतिदिन उल्कापात हम शेष समय लक्षण प्रतिदिन भूमिकंप हम शेष समय लक्षण प्रतिदिन सुनामी भी सृष्टि हो भूमिकंप उल्कापात प्रतिदिन हम बोले महापुरुष मालिका लिखते। तो मालिका में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे मालिका ग्रंथ ये भी प्रमाण देता है कि हर रोज प्रतिदिन उनका पाठ भी होगा, हर रोज प्रतिदिन भूमिकंप होगा, भूकंप होगा, और प्रतिदिन सुनामी भी आएगा, ये भी मालिका ने लिखा है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि एक वेबसाइट भी है वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि विश्व के किस किस जगह किन किन जगहों में भूकंप मतलब होने की वहां पे रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो इसका मतलब यही है
कि एक समय था कि मतलब हर रोज भूकंप नहीं होता था, लेकिन आज समय जो है बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज के मतलब तहत यह हमें देखने मिल रहा है कि रोज के रोज प्रतिदिन एवरी डे जो है भूकंप भी हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, सुनामी भी आ रहा है और उल्कापात होना बाकी है। कुछ कई कई देशों में ये भी मतलब होने की जो खबर हमें प्राप्त होती है। पर ऐसे लिखी चलती महापुरुष अच्छुत कहला मुंडे भावी हरण से पॉइंट तेरे एक प्रकार घटना बार्ता घटे ये शेष मान ऋतु परिवर्तन घटे महापुरुष कही कलि युग शेष समय ऋतु परिवर्तन भी घटे बर्तमान सब ऋतु आस्ते आस्ते परिवर्तन घटे सूर्य किरण बढ़ी जीव ताप बढ़ी जीव लोक मैंने सूर्य किरण बहुत लोक मरीज बर्तमान भी से आसुचे आस्ते आस्ते धीरे धीरे सूर्य किरण रक्तर वर्षा रक्तर वर्षा अलरेडी तेनालीब लक्षण कलिजुगर शेष समय मालिक लिखा प्रचंड हो रवि खरा अदा था प्रचंड हो रवि ताती अदा था तेणु ये समय बापा आसीगला आसी डेरी नुह यहाँ घड़ी सुंदर घड़ी सुंदी मुहूर्त ये मुहूर्त सबकि घटे बापा समस्त को तो हब हब बोली पूरी चलो केत हम कई जानपरिवे कई भी विश्वास करेंगे हम कि हबार प्रक्रिया आस्ते 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 बढ़ी चलती समय आसा जीव समय शेष बेल आदि भगवान नाम हृदय पवित्र ईश्वर नाम भजन कर सत्य पथे चल अन्या कर्म करना धर्म रे गति कर लोक को ठक ना कि टाउटरी करना दगाबाज करना कर्म कर उपार्जन कर सत कह भगवान का नाम नियो हृदय हिंसा बाद कपट अहंकार छेद लोभ मोह आपको त्याग कर तुम कि आठ सहस्र भक्त को लेकिन प्रभु लीला करेंगे अन्न्य भक्त रही कि आठ सहस्र भक्त मेन जेमती सत्य युग चौसठ सहस्र भक्त को नहीं ह्रास करते बतीस सहस्र बानर को लेकिन राम ह्रास करते द्वापर कृष्ण शह सहस्र गोपी को लेकिन ह्रास करते कलंकी राम हुजूरी ह्रास करेंगे आठ सहस्र भक्त को लेकिन मेन से आठ सहस्र भक्त अच्छा बाबा जी ये कह रहे हैं कि सत्ययुग में जब चौसठ हजार भक्तों को लेकर भगवान ने अपनी लीला वहां पर रचे थे और त्रेता युग में पुरुषोत्तम श्री राम जो है 32,000 बानरों को लेके वो भी अपनी लीला दिखाए थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण महाप्रभु उन्होंने 16,000 गोपियों के साथ अपनी लीला जो है सारे संसार को दिखाए थे। उसी तरह कलयुग में महाप्रभु कल्कि देव जब आएंगे वो है 8,000 अपने चरम भक्त जो है अपने परम भक्तों को साथ में लेकर समग्र विश्व भर में अपनी लीला जो है दिखाएंगे। उसी समय जो है एक्चुअल जो वास्तविक जो लीला है वो प्रकाश होगा जिसको हम कहते हैं कल्कि लीला। मतलब समय कितने कम लेटर से प्रकाश प्रकाश लक्षण खाली लक्षण को देखे लिखी देखे लोक तो धरी लिखी ना কিন্তু বাউলার লোক মানে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করল তবে যা বি 2030 ভিতরে বহুত কিছু পরিবর্তন ঘটিব 2030 ভিতরে আচ্ছা বাবা যে মালিকা ये भी लिखा है कि 6 साल तक ओडिशा में जो होता है पुरी में जो होता है रथ यात्रा ये भी बंद होने की संभावना है। हां या को जगन्नाथ दास लिखि दंती 6 वर्ष रथ यात्रा 6 वर्ष रथ यात्रा बंद रहइबो। हां जगन्नाथ दास ने पंचसखा भी लिखिसें जी मो पाकर जगन्नाथ दास ने लिखा लिखा अछि कौन से लेखर अर्थ भी बुझे देबे बापा मसे लेखा पदरे लेखा से बुझे ना कौन लेखा से लिखी चंदी जे 6 वर्ष रथ यात्रा बंद 6 वर्ष रथ यात्रा बंद हो तो मालिका में ये भी लिखा गया है कि
छह साल तक पवित्र घोष यात्रा यानी पवित्र रथ यात्रा जो है बंद रहेगा। और बाबा जी ये भी बोल रहे हैं कि 2000 चल रहा है जो साल 2024 और 2030 तक समय बहुत ही खराब है, लेकिन क्योंकि आगे आ रहा है मीन शनि योग जो है बहुत ही नकारात्मक मतलब समय है, वो जो भी बहुत ही कठिन समय है समग्र मानव इतिहास के लिए। तो बाबा जी मैंने आपका नाम मालिका में है, अपना नाम मालिका रहे थी कौन पदाटी कौन लिखा है जी मने अच्छी थी बाता से पद कहिया का तो काई की कोई भी नहीं काई को महागुप्त पद्मकल्प टीकारे गुप्त पद्मकल्प पद्मकल्प टीकारे लिखा अच्छी लिखा है महापुरुष संत अच्युतानंद दास ने लिखा है अपना तेरे लिखा जो दिस तो अच्छी सीधा परिष्कार लिखी ना तो बुले बंकी लिखी थी। तो बाबा जी आपके सामने है, पहले तो बाबा जी मना कर रहे थे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा जी जो है कैमरे के सामने आए हैं। तो बाबा जी का नाम जो है मालिका ग्रंथ में है, महापुरुषों के द्वारा लिखा गया, संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है महागुप्त पद्मकल्प टीका, ये ग्रंथ का नाम है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, महागुप्त पद्मकल्प टीका, इसके 108 अध्याय है। तो बाबा जी का नाम उसी महागुप्त पद्मकल्प टीका में है। तो बाबा जी का जो लोग जिस नाम से जानते हैं वो है प्रहलाद बाबा जी। तो बाबा जी अपन बहुत पृथ्वी अच्छी हाँ बापा अच्छी तू देखिए अड़गे नहीं सर देखिए आप अच्छा ना बापा कहीं की देखिए बाप मुझे आगे बोलो आप दर्शक बंधु वाले टिकी खरी कोड़ी झलक देखिए चाहूं चाहती खूब कम समय पाएं टिकी हेल देखिए। तो बाबा जी जैसे कि मालिका में लिखा है कि 256 भक्त, ये कोई मामूली भक्त नहीं है, ये महाप्रभु के भक्त हैं जो कलयुग के अंतिम कालखंड में अंतिम समय में महाप्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। यह है 256 भक्त, बाबा जी इनमें से एक हैं। हमारा पूरा टीम जो है लगातार खोज रहा है 256 भक्तों को, इस उनमें से बहुत सारे भक्त हैं जो कैमरा में के सामने आते भी हैं और बहुत ज्यादा भक्त हैं जो मतलब वो कैमरा के सामने वो आएंगे भी नहीं। तो फिर बाबा जी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा जी साथ थोड़ा राजीव है कि कुछ दिखाएंगे। और ये भी मालिका लिखा है 256 भक्त जिनके पास पंच सखाओं के पवित्र जो लिखा गया है पोथी, वो उनके किस ना किस कारण से इनको पोथी प्राप्त होंगे। तो बाबा जी को भी कहीं ना कहीं से पोथी प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं कि छोटा सा झलक हम दिखाता है कि बाबा जी के पास क्या पोथी है। बाबा अपन को पोथी अपन कौन पाई थी बेटा बाबा विभिन्न जगह मिली था पोथी। अच्छा गोटे जगह विभिन्न जगह मिली था। अच्छा पोथी अपन को चारों मिली था महापुरुष ओरिजिनल पोथी तालपत्र पोथी तालपत्र पोथी मिली था एवं तो फिर बाबा जाइए थोड़ा बस हमारे जो भक्त है वो देखना चाहते हैं कि महापुरुष ओरिजिनल पोथी। तो ये देखिए ये जो है ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, बाबा जी आपके सामने दिखा रहे हैं कि महापुरुषों की 500 साल पुरानी ओरिजिनल पोथी जो किस ना किस तरीके से जो है भक्तों को प्राप्त होते हैं। ये पोथी बापा महापुरुषों का बहुत गुप्त मंत्र रही है जो एकाक्षर मंत्र निराकार मंत्र ज्योति मंत्र छाया मंत्र ये पृथ्वी रही महापुरुष। अच्छा ये पृथ्वी उत्तरा है शून्य संहिता, ये शून्य संहिता छपा ही नहीं पहले शून्य संहिता छपा है किंतु ये है ये है ये आप इसको कहते हैं पांडुलिपि जो मतलब पोथी ओरिजिनल पोथी पोथी से इसको जो है हैंडराइटिंग से लिखा गया है। मतलब उस समय ये लगभग कितने साल पुराना होगा ये बाबा ये प्राय अनुमान मोरो 80-90 वर्ष तक ये लगभग 80-90 साल मतलब 100 साल पुराना ये है पांडुलिपि। लेकिन ये तो है पांडुलिपि देखिए अक्षर जो है देखिए ऐसा ऐसा लिखा गया है और लेकिन ये तो है लगभग 100 साल पुराना और इसका नाम क्या है शून्य संहिता। हाँ शून्य संहिता, शून्य संहिता से मुझे याद आया ये जो शून्य संहिता की जो ओरिजिनल पोथी है मुझे जब मैं गया था नेपाल तो वहां पे मुझे मिले थे वहां के जो ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट है वो मुझे बोल रहे थे उनका नाम है कुछ
अजय अजय कुमार कुष्ट जी, तो बोले कि यहाँ पे रशियन जो है काफी एक्टिव है, रशिया की जो एजेंसीज है वो काफी एक्टिव है और वो यहाँ पे आते हैं बाकायदा अपने एजेंसीज लेके यहाँ पे आते हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि शून्य संहिता की ओरिजिनल पोथी कहाँ है। तो बाबा जी के पास भले ही उसका पांडुलिपि उसका कॉपी है लेकिन वो ढूंढ रहे हैं कि जो शून्य संहिता है उसके उसका जो ओरिजिनल पोथी वो कहाँ है और अरबों खरबों रुपये देकर वो उसको जो है हथियाना चाहते हैं। तो बाबा जी मतलब इसके कौन लिखा अच्छी बहुत तत्व रही तत्व सब रही बहुत तत्व अच्छा ब्रह्मर निर्णय आदि रही महापुरुष शून्य संहिता तक जीवन रेष समय अच्छा अच्छा यही शून्य संहिता अनेक शास्त्र को ट्रांसलेट संपूर्णनाथ दास गीतार्थ तत्व सार लिखते शून्य संहिता से पद गुरा बहुत अनेक शास्त्र को जा शून्य संहिता 629 टा श्लोक लाल रंग की जो ये क्या है ये घोड़ा पोथी एकाक्षर मंत्र लेखा कृष्ण एकाक्षर शैव एकाक्षर जीव परम एकाक्षर निराकार मंत्र छाया मंत्र ज्योति मंत्र ये सब महापुरुष धारा ये मुक्ति मार्ग पथ को पाइबा ये सब जिनस लेखा अच्छे बापा मो पाइबा हब कितने साल हो गया मो विवाह रो वर्षे पर मो पुथी पाई थे अच्छा ये जने साधु शमशान रे साधन करथले से देखिले जे 300 फुट दूर रे कुटिए डेंगाई के लोक रामावली पकाई चंदी आउ तो हरदिया लुगाटी पिंचंदी से कहले पाखे जा खूब जोर पाटी करी कहला सुमिला से जो साधन करथले जो मंत्र तो खूब जोर दीर्घ उच्चारण कले तांको पाखु को आसी कोडिया के दूर थाई कि ए पोथी का गन खसई दे कि से उभे गेले से सब चिंता कले कि कोन खसले देखला पोथी से पोथी रे जो अक्षर लेखा है जी ताको जानिया पे से साधु भारत वर्ष अनेक साधु संत को संस्पर्श आछी से सार अक्षर उच्चारण उच्चारण करा तार हाबुड़े पड़ा मो हाबुड़े पड़ा बीज मंत्र कथा गोटे अक्षर कहला द्वितीय अक्षर कहीदेली मत कुंडे पकेला से मते पोथी दान करके जाय अच्छा अच्छा तमरे एटा होचे तंत्र पोथी एटा ब्रह्म पोथी हां एटा ब्रह्म पोथी ब्रह्म दर्शन बात सब रही तो फिर ये देखिए ये जो अनेक जो दृश्य आप देख रहे हैं कि कैमरा में ये चीज कैद हुआ ये पहली बार कैमरा के सामने कैद हुआ है। ऑडियो में भी इसका वीडियो हमने नहीं बनाया है ये महापुरुषों की कृपा है बाबा जी आप राजी हो गए आप मान गए तो तब जाके आप ये जो दिव्य पोथी का दर्शन कर पा रहे हैं आप अपने प्रदेश में बैठे हुए इस पोथी का आप महापुरुषों जो ओरिजिनल पोथी है इस पोथी का आज आपने दर्शन किया है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मतलब जितने भी तारीफ किया था बहुत कम आपने हमारे दर्शकों के जो रिक्वेस्ट रक्षा किए और उस आपने उनके सामने दिव्य पोथी जो है उनका दर्शन कराया बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत आभार बाबा जी। फिर अंत में भक्तों के लिए क्या कुछ आप दो शब्द बोलिए भक्तों के पाई भी शब्द फोन तो ये तो देखी तो नहीं महापुरुष है जिन सब साधन कले कौन सी काल भी तंग ग्रास कर जन्म भी देखले भय कर विद्या ये आपण माने आमर जो भक्त मान देखुचंते तांको पई वार्ता कोन रहिछे तांको पई एतिके वार्ता से जे कोन सी देवता को भल पांतु ना काई कि तांको भी नाम को बसिले उठिले चालिले बुलिले खाइले पीले से नाम वचन करो आ किछि दरकार काही कले कौन सी असुविधा पड़ी बस कलेग में एक ही है एक नाम हरि का नाम नाम वाला धन
ठीक है, चलो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आभा, और आपको जितने भी मतलब तारीफ के बहुत कम है। तो बाबा जी का अभी सुन रहे थे जो 256 में से एक भक्त हैं प्रहलाद बाबा जी, और आपको अभी दिखा रहे थे उन्होंने ये दिव्य पोथी। तो फिर कैसा लगा आज का वीडियो, वीडियो में आप अपने कमेंट लिखिए, और आगे चल के ऐसे ही आपको जो 256 भक्त हैं उनको भी दर्शन हम करवाएंगे। और मालिका में जो लिखा गया है विशिष्ट स्थानों के बारे में जिसको हम कहते हैं मालिका बनी स्थान, विशिष्ट स्थान, उसका भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय तन सखा।